राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना नागपुर टीम के 3 साल के प्रयास की मेहनत रंग लाई है। आने वाले 2 महीने के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह का भव्य म्यूरल नागपुर स्थित गीतांजलि चौक पर स्थापित करने की घोषणा महानगर पालिका के महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा की गई। शुक्रवार को नागपुर महानगर पालिका के महापौर के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की टीम की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में महाराणा प्रताप सिंह जी की स्मारक के विषय पर चर्चा हुई और श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम ने 3 वर्ष पहले प्रस्ताव रखा था। महाराणा प्रताप का भव्य म्यूरल बनाने की मंजूरी के लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की नागपुर टीम ने कड़ी मेहनत की। आखिरकार इस प्रस्ताव को शुक्रवार को नागपुर मनपा के महापौर दयाशंकर तिवारी ने मंजूरी दे दी। आने वाले 2 महीनों में ही भव्य म्यूरल बनकर तैयार होगा। इस बैठक में राष्ट्रीय सचिव सूरज सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव जीत सिंह ठाकुर, विदर्भ अध्यक्ष कमलेश सिंह ठाकुर, प्रदेश मीडिया प्रभारी शत्रुघ्न सिंह चंदेल, प्रदेश सचिव शंकर सिंह, नागपुर युवा जिला अध्यक्ष विकास सिंह, राहुल बैस, प्रीतांशु सिन्हा, नंदराज ठाकुर, करण बैस, कुणाल सिंह, गौरव सिंह, वीरेंद्र सिंह, सूरज दुबे, अजीत शाह, भवानी शर्मा, सत्यम सिंह, आकाश पांडे आदि उपस्थित थे। आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी साहब, इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के जो विचार थे, विभिन्न निवेदन थे, उनके आधार पर गया भैया ने हमारे आदरणीय महापौर साहब ने गीतांजलि टॉकीज के पास एक म्यूरल स्थापित करने की संपूर्ण प्रक्रिया करते हुए मंजूरी दे दी है। उसके लिए श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी महाराष्ट्र BCN News के लिए एकता गहरवार की रिपोर्ट।